हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं श्रवण सर और आज क्लास 9 के लिटरेचर से एमसीक्यू लेकर उपस्थित हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये एक अनुमानित ठीक है क्वेश्चन है, ठीक है मॉडल क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि इससे पैटर्न आपको पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और साथ ही साथ आप इससे अंदाज लगेगा कि आप कौन सा लेशन पढ़े हो कौन सा नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये क्वेश्चन किस लेशन से, ये तो आपको अंदाज लगेगा कम से कम, आप नहीं तो बुक खोल के देखोगे। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आंसर लिख के दे सकता था आपको, क्वेश्चन और साथ में उसका सॉल्यूशंस भी दे सकता था, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी जब मुझे सुनोगे आप, इसको देखोगे, अभी ही लर्न कर लोगे आप, इतना याद हो जाएगा आपका। ठीक है, लेशन में कहीं प्रॉब्लम होगा तो मैं अभी नहीं बताऊंगा लेशन, लेशन आपको खुद ढूंढना है कि किस ये क्वेश्चन किस लेशन से था। अगर इसके बाद भी नहीं पता चलता तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा लेकिन लेशन नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेहनत करो आप भी। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जा रहा है कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज के तहत प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन सारे सेक्शन का, रीडिंग राइटिंग ग्रामर और लिटरेचर का भी अपलोड किया जा चुका है, और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए और अगर पुराने हो तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखोगे। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज रॉन्ग विथ एवलिन, एवलिन के साथ क्या समस्या थी। ठीक है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो एवलिन आप जान रहे होंगे एक लेशन है, लेशन का मैं हिंट्स देता हूँ, जिसमें म्यूज़िक की बात आती है। ठीक है, जिसमें एक कैरेक्टर रहता है, वो म्यूज़िक लर्न करने के लिए बहुत संघर्ष करती है। इतना ही बताऊँगा हिंट्स, आप लेशन खुद ढूंढोगे। ठीक है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम था। एवलिन सी वॉज ब्लाइंड, वो बहरी थी, सॉरी अंधी थी। सी वॉज डीफ, वो बहरी थी। सी वॉज लेम, वो लंगड़ी थी। लेम मीन्स लंगड़ी, लंगड़ा होता है। सी वॉज मेंटली वीक, वो मानसिक तौर पर कमज़ोर थी। ठीक है, मतलब दिमागी तौर पर वो कमज़ोर थी। इसमें से कौन सही है, तो अगर आप लेशन पढ़े होगे तो अच्छी तरह याद हो, नहीं तो बता देता हूँ मैं, आप लेशन को ज़रूर देखोगे जाके। सी वॉज डीफ, ठीक है, वो बहरी थी। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक है, समझ में आ गई, वो बहरी थी इसलिए उसको म्यूजिक सीखने में समस्या आ रही थी। चलिए दूसरा, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है। केजिया एक कैरेक्टर का नाम है एक स्टोरी में, वो अब मैं बता दूँ वो तो हिंट्स दे ही देता हूँ, वो एक बच्ची है, वो डरती थी, वॉज अफ्रेड ऑफ। ठीक है, हर वो अपने किससे डरती थी, यहाँ ब्लैंक है, ऑप्शन में फादर मदर मतलब पिता से डरती थी, माता से डरती थी, ग्रैंड मदर दादी से डरती थी, ग्रैंड फादर दादा से डरती थी। तो आपको अगर लेशन आप पढ़े होगा तो निश्चित रूप से पता होगा वो किससे डरती थी, फादर से। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए सही है और इसमें ऑप्शन बी था। ठीक है, नंबर थ्री, हु वॉज सेंट टू लोकल स्कूल, हु वॉज सेंट टू लोकल स्कूल। रेट से बताता हूं, हु वॉज सेंट टू लोकल स्कूल, स्थानीय स्कूल में किसको भेजा गया था, मतलब स्थानीय मतलब पड़ोस में जो स्कूल होता है, नजदीक में जो स्कूल होता है, ठीक है, घर के करीब जो स्कूल होता है, तो वही कहता है कि हु वॉज सेंट टू लोकल स्कूल, लोकल स्कूल में किस स्कूल भेजा गया था। लेशन आप खुद याद करोगे किस लेशन से है, केजिया, संतोष, मैरिया, एवलिन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले सारा ले लोगे आप, अभी ये देख लो। ठीक है, ताकि आप पहले सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं जो बता रहा हूँ इसको आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए आते हैं। हु वॉज सेंट टू लोकल स्कूल, स्थानीय स्कूल में किसको भेजा गया था, ऑप्शन बी सही है, संतोष। ठीक है, और संतोष कौन है यह आप देखोगे,
लेशन भी देखो किस लेशन से और वो कौन था या थी। हु वॉज बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां कौन थे, ठीक है, हु वॉज बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां कौन थे। पहला क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी थे। म्यूजिशियन, एक संगीतकार थे, म्यूजिशियन CIN, हाँ म्यूजिशियन थे, ठीक है। सिंगर थे, गायक थे, या शहनाई प्लेयर, शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई वादक थे, क्या सही है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, शहनाई वादक। बिस्मिल्ला खान को तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेशन आप याद कर लो किस लेशन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ, अल्बर्ट आइंस्टीन बोल नहीं सकते थे एट द एज ऑफ, उम्र पर, कितने उम्र पर, जैसे उम्र पर है ना कि वो बोल नहीं सकते थे कितने उम्र तक, ठीक है, या किस उम्र में बोल नहीं सकते थे। यहाँ डॉट डॉट है, ऑप्शन ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक में क्या भरा आएगा, तो कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ, वो बोल नहीं सकते थे इस उम्र में। अब कौन सा उम्र था, 2.5, मतलब 2.5 यानी 2.5 साल में या 2.5 वर्ष में, 3.5 या 3.5 साल में, ठीक है, 3 साल और 6 महीने, फिर 4.5 4.5 साल में, या 1.5 या 1.5 साल में, कितने साल में वो बोल नहीं सकते थे, ठीक है। ऑप्शन आप खुद उसमें से देख लेना, रिलेशन को खुद से समझ लो, मैं तो अभी ऑप्शन बता ही दे रहा हूँ, आंसर तो बता ही दे रहा हूँ। तो क्या सही आंसर होगा, 2.5, क्या होगा सही ऑप्शन, 2.5 यानी ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कविता लिखा है, फिर ब्लैंक है। अब कौन कौन, कौन सा कविता उन्होंने लिखा है, कौन सा पोएम उन्होंने लिखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, ऑन किलिंग अ ट्री, क्या उन्होंने ऑन किलिंग अ ट्री लिखा है, या द रोड नॉट टेकन लिखा है, या रेन ऑन द रूफ लिखा है, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई सही नहीं। तो क्या होगा, द रोड नॉट टेकन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, क्या होगा, रोड नॉट टेकन। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, पीटर ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ टू, पीटर पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर घूमा, टू किस लिए, ऑप्शन यहाँ खाली है, ठीक है, ब्लैंक है। ऑप्शन क्या होगा, टीच पढ़ाने के लिए, प्रीच उपदेश देने के लिए, सिंग गाने के लिए, या फिर गिव स्पीच या भाषण देने के लिए। तो पीटर क्यों घूमा था पूरी पृथ्वी पर, टू प्रीच उपदेश देने के लिए, ठीक है, क्या सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द विंड डू, एक पोएम मैंने पढ़ाया, वीडियो भी उसका अपलोड किया था, जो रोड कुछ पोएम्स, यहाँ पोएम से भी क्वेश्चन है, वो सारे पोएम्स का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और आप लोग अपलोड किया। अगर आप पहले से देख रहे हो, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो चैनल को, तो आप उसको, आपको पता होगा पोएम को पढ़े होगा। तो यहाँ क्या है, कहता है कि व्हाट डज द विंड डू, विंड क्या करता है, बहती हवा जो है वो क्या करता है। उस पोएम में आप ठीक से पढ़े होंगे, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं ऑप्शन यहाँ बता देता हूँ, आप उस लेशन को, अगर आपको नहीं पता तो उस लेशन को जरूर फिर से देख लेंगे आप, ठीक है, उस लेशन को पढ़ेंगे। व्हाट डज द विंड डू, ब्रेक द शटर्स, शटर को तोड़ता है, ठीक है, शटर मतलब दरवाजा, स्कैटर द पेपर्स, पेपर जो है कागज है उसको बिखेर देता है, थ्रो डाउन द बुक, शेल्फ से किताबों को गिरा देता है, ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सब कुछ करता है। तो क्या होगा आंसर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। अगर आप पोएम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं, कि वो शटर भी तोड़ता है, पेपर को भी गिराता है, पुस्तकों को भी, पेपर को बिखेर देता है और पुस्तकों को भी गिरा देता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे थे, MCQ। तो इसमें क्या है कि आप अभी तो सॉल्यूशन आपको मिल गया जो क्वेश्चन था उसका, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसी से या सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन है ये, इसलिए आप
इसको तो देख लोगे, और जो लेसन आपको पता नहीं चल रहा है किस लेसन से क्वेश्चन, उस लेसन को जरूर देख लोगे। मैं लेसन का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बता दूंगा तो फिर आप किताब उलट के नहीं देखोगे, ठीक है। ये थोड़ी सी मन में आलस्य रहता है, बात समझ में आ रही है। और अगर आप पढ़े होगे तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं फिर भी सॉल्यूशन बता दिया इसका, ठीक है। तो आज मैं यहीं अंत करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये आपका प्रिपरेशन हो रहा है एग्ज़ाम का, इसको नहीं भूलेंगे आप, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।